वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू ब्लॉग ऑफ उत्तराखंड ब्यूटी। सो मैं हूं सचिन, और यार आपको ना मैंने काफ़ी सारे मोस्ट हिडन प्लेसेस दिखा चुका हूं, बट आज मैं आपको मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल प्लेस दिखाने वाला हूं। ये एक वाटरफॉल है, वैसे आपको पता चल चुका होगा टाइटल और थंबनेल को देख के कि आज मैं आपको कौन सा वाटरफॉल दिखाने वाला हूं। वैसे ये प्लेस सबके लिए नोन है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। बाकी यहाँ पर कैसे पहुँचे वो तो सबको पता है, ऋषिकेश का फेमस है। फिर भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो गूगल मैप का डायरेक्ट लिंक होता है वो मैं डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली उसके थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हो। तो ये है नीर वाटरफॉल का सबसे फर्स्ट स्पॉट, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। जो मोस्टली टूरिस्ट होते हैं वो सबसे टॉप वाले जो स्पॉट है उस पर जाते ही नहीं, यहीं से एंजॉय करते हैं, आराम से फन कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा रश मिलता है, जिनको रश पसंद नहीं है वो टॉप पर जा सकते हैं, और जो नहीं जाना चाहते वो आराम से यहाँ पर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको ये शॉप वगैरह मिल जाएगी, देख सकते हो आप, तो खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं पर आराम से नहाइए और यहाँ पर अपना खा भी सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। हम इसके सबसे जो टॉप वाला स्पॉट है नहाने का वहाँ पर जा रहे हैं, बिकॉज जितने भी हमने नीचे के स्पॉट देखे ना वहाँ पर तो रश है, बट टॉप वाले में देखते हैं, लेट्स सी वहाँ पे हमको रश मिलता है या फिर नहीं। बट यार बहुत गर्मी हो गई है, अभी तो पीक मंथ भी नहीं आया गर्मी के, समर के जून जुलाई, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है और इसमें ही इतनी गर्मी है, तो आगे कैसे होगा भाई। एज यू कैन सी ये देखो यहाँ पे ज़्यादा पानी ठीक है, और यहाँ पे रश भी बहुत कम है, और आपने नीचे के जो स्पॉट देखे वहाँ पे थोड़ा सा रश है, बिकॉज जो पब्लिक है वो ज़्यादा टॉप पे चढ़ना नहीं चाहती, काफ़ी हार्ड पड़ती है ट्रैकिंग, बट यहाँ का सही है। अगर हमको वहाँ पे ज़्यादा रश मिलता है तो हम यहीं पे आ जाएंगे, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। और भाई आज हमारे साथ आए दिल्ली वाले दिल्ली मेट्रो वाले, जो कि पहले भी आ चुके हैं हमारे चैनल पे, उसमें शीला की चौकी के ब्लॉग में। दिल्ली वाले लोग तो उत्तराखंड में आते हैं दिल्ली में क्या रखा है भाई गर्मी के अलावा भाई मेरे अगर गर्मी के मजे लेने तो भाई दिल्ली चले जाओ, और अगर कुछ चिल और फन चाहिए तो उत्तराखंड में आ जाओ, और उससे भी ज़्यादा मज़ा चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ अलग देखना चाहिए तो उत्तराखंड ब्यूटी पे आ जाओ क्या बात है भाई क्या बात है, अगर हमेशा ही कुछ देखना चाहते हो तो उत्तराखंड ब्यूटी को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस जिस टाइम मैं पहले कभी आया था तो उस टाइम यहाँ पे 15 रुपीज़ एंट्री फीस थी, बट आज हमने 30 रुपीज़ पर हेड पे किया है, डबल हो गया है। एंड गाइस ये मंथ है अप्रैल का, और आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। एज यू कैन सी ये जो पूरा स्पॉट है ये बिल्कुल खाली पड़ा है, और इसके ऊपर भी स्पॉट है जिस पे हम नहाएंगे, लेट्स सी वहाँ क्या हमें रश मिलता है। तो गाइस हम आ चुके हैं नीर वाटरफॉल के सबसे टॉप वाले स्पॉट पे, और आप देखो यहाँ से कितना गजब व्यू नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं है, नॉर्मल रश है, बट अगर यहाँ पर आप वीकेंड पे आते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रश देखने के लिए मिलता है, और यहाँ ऊपर आके आपको मैगी वगैरह सब कुछ मिल जाती है, कुछ भी आपको नीचे से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर ही आपको छोटे छोटे यहाँ पर शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे आप मैगी वगैरह खा सकते हो, और जो मैगी के चार्जेस हैं वो भी नॉर्मल है 40 रुपीज़ पर प्लेट। और गाइस यहाँ पे जब मॉनसून होता है तो मॉनसून के टाइम अभी जितना आपको पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा मॉनसून में पानी यहाँ पर होता है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पानी, और भाई पानी देखो यार
इतना गजब का है वाला। गाइस जिस टाइम मैं यहाँ पर आया था, बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता नहीं था, जैसा पहले था नील वाटरफॉल आज भी बिल्कुल ऐसा चीज वैसा ही। भाई बहुत ज़्यादा फ्लो है यहाँ पे पानी। गाइस अगर इस गर्मी में ऐसा ठंडा पानी मिल जाए ना तो भाई गजब ही मजा है, अलग ही मजा आ जाता है। स्वैग ही स्वैग है। और ऐसी जगह ना बस आपको उत्तराखंड में मिलेगी भाई, तो उत्तराखंड आओ, बट इसको बिल्कुल भी गंदा मत करो, ठीक है? जो भी लाओ, जो भी खाओ पियो अपने साथ कैरी करके ले जाओ, नो इश्यू। उत्तराखंड के ब्यूटी को, ब्यूटी चैनल को, दोनों को सपोर्ट करते रहो और क्लीन रखे उत्तराखंड को, ठीक है? जैसे मेरा चैनल कह रहा है उत्तराखंड ब्यूटी को ब्यूटी ही रहने दे, सुंदर ही रहने दे। अभी हम हैं नीर वाटरफॉल के सबसे टॉप वाले स्पॉट पर, अभी से नीचे वाले स्पॉट पर चलते हैं जो हमने आपको दिखाया भी था, वहाँ भी थोड़ा यार मज़ा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रश है बट नीचे वाले में इतना रश नहीं है। देखो यहाँ नॉर्मल रश है बट यहाँ पे पानी ज़्यादा डीप नहीं है, नॉर्मली पानी है यहाँ पे। लोग सबसे टॉप वाले स्पॉट पर इसलिए जाते हैं बिकॉज वहाँ पर जो वाटर की डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर नॉर्मल है, बट इतना सा डिफरेंस है। बाकी मजा यहाँ पर भी फुल टू है, ये देखो। गाइस चलते हैं इसके अंदर, देखो क्या है। और ये देखो पानी की सुरंग में जाते हुए, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। फाइनली गाइज हमने कर लिया है नीर वाटरफॉल में स्नान, तो आज के व्लॉग में इतना ही गाइज। आप आ सकते हो यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे आना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ का गूगल मैप लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके यहाँ की लोकेशन पे आ सकते हो। बाकी मेरी समर की सीरीज़ में आपको काफ़ी सारे वाटर से रिलेटेड, वाटर प्लेसेस से रिलेटेड ही व्लॉग मिलेंगे, तो आराम से आप देख सकते हो। और इन फ्यूचर भी हमारे चैनल पे काफ़ी सारे हिडन प्लेसेस, ब्यूटीफुल प्लेसेस ऋषिकेश, देहरादून और उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो ज़रूर से जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लेना, बिकॉज आपसे कुछ मिस हो सकता है, तो मिस मत करना, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा दो और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑल पे क्लिक कर देना। तो हम मिलते हैं आपको किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।